आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने 33 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने सूची जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दल अहंकार में हैं, किसमें कितना दम है यह आने वाला समय बताएगा। आजाद ने कहा कि कुछ महीनों से कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया है। मैंने मुस्लिमों की लड़ाई लड़ी है, मेरी लड़ाई सत्ता के सामने व्यवस्था की लड़ाई है। अभी ये मैंने वो घोषणा की जिनपे हम लोग लड़ने के लिए जिनपे हमसे बात हुई थी, बाद में हमसे छल हुआ, जिनपे हमने तैयारी की थी। लेकिन ऐसा नहीं, भीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभा पे, और हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में है वो तीसरे चौथे नंबर चौथे पांचवें नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे थे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया है अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया है। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा कि फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। तो मेरी लड़ाई ईमानदारी की है, मेरी लड़ाई सत्य की है, और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। मैं ये भी वादा करता हूं कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत मेहनत से ये साबित करेगी, और जब सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे।